जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 01030 कोयना एक्सप्रेस कोविड विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के बीच रोजाना चलती है। ट्रेन 26 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 516 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में 2 वातानुकूलित चेयर कार और 10 सेकंड सीटिंग कोच लगते हैं। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूं। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर स्टेशन पर आकर रुक जाती है और सुबह 8:05 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट रूकड़ी स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8:25 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट हाथकणंगले स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट निंशिरगांव टांडलगे स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8:44 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट जयसिंहपुर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8:53 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवां हॉल्ट मिरज जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9:12 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट विश्रामबाग स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9:21 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट सांगली स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9:27 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट भिलवडी स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9:49 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट किर्लोस्करवाड़ी स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 10:04 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट करार स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 10:42 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां हॉल्ट मसूर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11:04 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट रहीमतपुर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11:29 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट कोरेगांव स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 11:44 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट सतारा स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 12:02 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट वाठार स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 12:34 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट लोनंद जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 1:09 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट नेरा स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 1:29 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट जेजुरी स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 2:09 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट पुणे जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 3:40 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट शिवाजीनगर स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 3:52 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट चिंचवट स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 4:14 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट तलेगांव स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 4:41 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट लोनावला स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 5:03 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट कल्याण जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 6:47 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट थाने स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 7:12 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट दादर सेंट्रल स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 7:37 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 27वां और आखिरी हॉल्ट मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन है और यहाँ ट्रेन रात 8:05 पर पहुँचती है।
दोस्तों मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।